अपने बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट मिलना आखिर किसे नहीं अच्छा लगता होगा। बर्थडे गिफ्ट तो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, सभी को अपने बर्थडे पे मिलना काफी पसंद होता है। लेकिन क्या कभी आपने कभी ऐसे बर्थडे गिफ्ट के बारे में सोचा है जिसे पाकर आपकी सांसें थम जाएं और आपके जीने की वजह तक खत्म हो जाए। आज मैं आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में हुई है। इसमें एक बच्चा अपनी माँ को, एक बेटा जो है अपनी माँ को ऐसा बर्थडे गिफ्ट देकर गया है जिसे वो माँ कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाएगी और जिंदगी भर अपने आप को कोसती रह जाएगी। और मैं तो यही कहूंगी कि भगवान इस तरीके का बर्थडे गिफ्ट कभी किसी को ना दे जैसा ये बेटा अपनी माँ को दे करके गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। 15 साल का रोहित, जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट हुआ करता था, अपनी माँ के साथ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बहरोड में रहता था और उसकी माँ की एक बड़ी बेटी भी है जो कि क्लास 12th की स्टूडेंट है और वो अपने मामा के यहाँ रहती है। बताया जा रहा है कि रोहित के माँ का बर्थडे था और उसके बर्थडे के 3-4 दिन पहले से रोहित अपनी माँ से नई स्कूल ड्रेस खरीदवाने की जिद कर रहा था, यानी कि उसे नई स्कूल ड्रेस चाहिए थी। हर दिन उसकी माँ को स्कूल के लिए लेट हो जाया करता था तो रोहित की माँ जो है रोहित को बार बार ये करके कह करके टाल दिया करती थी कि बहुत जल्द उसे वो स्कूल ड्रेस दिला देगी, आज वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। कहीं ना कहीं रोहित भी इस बात को खुद को ही अपने आप को जिम्मेदार मानता था कि उसकी ही वजह से माँ को स्कूल जाने में लेट हो जा रहा है। बर्थडे का दिन आता है, 2-3 दिन बाद उसकी माँ का बर्थडे होता है। सुबह सुबह वो काफ़ी खुशी खुशी अपनी माँ को बर्थडे विश करता है, हैप्पी बर्थडे मम्मी। उसकी माँ भी काफ़ी खुश होती है और रोहित ये सोचता है कि आज तो मम्मी का मूड काफ़ी अच्छा है, तो वो अपनी माँ से फिर से अपनी स्कूल ड्रेस के लिए बोलता है। तो उसकी माँ फिर से गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा मुझे काफ़ी लेट हो रहा है स्कूल के लिए, आज शाम को पक्का मैं आकर के तुम्हें नई स्कूल ड्रेस दिलवा दूँगी। रोहित को ये बात काफ़ी लग जाती है उसके दिल पे। उसकी माँ स्कूल चली जाती है, स्कूल में भी जो उसकी माँ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी माँ के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद शाम की बात है, जब उसकी माँ वापस आती है घर, घर आते वक्त वो अपने घर का दरवाज़ा काफ़ी कई बार नॉक करती है और अपने बेटे को पुकारती है, रोहित रोहित, उसकी बेटे का नाम रोहित था, काफ़ी पुकारती है बट कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती है। कई बार खटखटाने पे जब उसे कोई आवाज़ नहीं मिलता है, कोई उसे सुराग नहीं मिलता है कि आखिर बंद किसने किया है और आखिर रोहित है तो वो खोल क्यों नहीं रहा है। आस पड़ोस के लोगों को वो जाकर के बुलाती है, काफ़ी घबराई हुई सी रहती है। आस पड़ोस के लोग आकर के दरवाजे को तोड़ते हैं क्योंकि अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है रोहित का। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं उसे देखने के बाद जो सीन रहता है वो देख करके इसका सारे लोग एकदम सन रह जाते हैं और उसकी माँ तो बिल्कुल बदहवास सी हो जाती है। अंदर रोहित ने खुद को फांसी लगा ली होती है, फांसी लगा लिया होता है। उसके बाद माँ समझ ही नहीं पाती है कि आखिर ये सब हुआ क्या, इस चीज़ का कारण क्या है। सुबह तो बेटा काफ़ी खुश था, उसने खुशी खुशी माँ को बर्थडे विश किया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रोहित ने ये कदम उठा लिया। पास में पड़ा हुआ एक सुसाइड नोट मिलता है, इस सुसाइड नोट को आप सुनेंगे कि बेटे ने क्या लिखा है तो आप भी बिल्कुल शॉक रह जाएंगे। सुसाइड नोट में बेटे ने लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे मम्मी, ये दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। आई होप आज के बाद आपको स्कूल के लिए कभी देरी नहीं होगी। और ये सुसाइड नोट पढ़ करके उसकी माँ बेहोश सी हो जाती है। रोहित ने इस चीज़ में ये दर्शाया है कि ये दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का सबसे प्यारा गिफ्ट वो अपनी मम्मी को दे करके जा रहा है, इसके बाद शायद उसकी मम्मी को स्कूल के लिए कभी देरी ना हो। उसके बाद पुलिस आती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी भी उस चीज़ के लिए छानबीन जारी है और उनके रोहित के जो रिलेटिव्स हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पूरे जो इंसिडेंट का आखिर रीज़न क्या है, पीछे का कारण क्या है, रोहित ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, बाकी इस सुसाइड नोट से और पूरे इंसिडेंट से जो न्यूज़ सामने आई है उससे तो यही पता चल रहा है कि रोहित को नई स्कूल ड्रेस चाहिए थी और माँ के गुस्सा हो जाने पर बर्थडे वाले दिन रोहित इस बात को काफ़ी दिल पे लगा लेता है और इस बात को झेल नहीं पाता है और वो सुसाइड कर लेता है।
आप सोच सकते हैं कि आजकल के बच्चों का माइंडसेट और उनका दिल कितना, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। क्या ये आजकल के पेरेंट्स को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा गुस्सा कर दें? और अगर माँ बाप किसी चीज में बिजी हैं तो क्या वो अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज उन्हें बाद में दिलाई जा सकती है और बच्चे ये चीज समझ जाए? आप बच्चों के दिमाग को समझ सकते हैं, इस टाइम के बच्चे कैसे हो रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि अपने बच्चों से बात करें और उनकी मेंटालिटी को समझें कि आखिर उनके दिमाग में कैसी बातें चल रही हैं, वो किन किन लोगों से हर दिन वो मिल रहा है वो बच्चा, और आखिर क्या, किस बात की प्रॉब्लम उसके माइंड में चल रही है और वो आखिर क्या सोच रहा है आजकल। हालांकि ये मामला तो ही है, दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि आखिर स्कूल में किस बात के लिए उसे फोर्स किया जा रहा था और क्यों आखिर नई ड्रेस के लिए उसे इतना फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी माँ से हर दिन इस चीज के लिए जिद कर रहा था और नहीं मिलने पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसने आत्महत्या कर ली यानी कि सुसाइड कर लिया। दोनों तरीके से देखा जा रहा है इस मामले को, बट अभी भी जो एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एक पूरा प्रॉपर सबूत कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि रोहित ने आखिर क्यों सुसाइड किया, यह अभी सामने नहीं आया है। आप सोच सकते हैं वो माँ जो अपने बेटे के सहारे, दो बच्चों के सहारे, बेटी के सहारे जीती थी, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है, उसका बेटे, उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया है, रोहित ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, और माँ भी शायद अब जिंदगी भर अपने आप को ही उसके सुसाइड के लिए जिम्मेदार मानती रहेगी कि आखिर उसके वजह से अगर उसने स्कूल ड्रेस दिला दिया होता तो शायद रोहित ने ऐसा कदम नहीं उठाया होता। बट क्या हम पूरा 100% उसकी माँ को ही जिम्मेदार मान सकते हैं? जरूरत है हमें काउंसलिंग करने की अपने बच्चों की, या आप बच्चों से बात करें। जिस तरीके का बिजी आप कह सकते हैं शेड्यूल, एनवायरनमेंट और माहौल हो चुका है, उसमें सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आर फैमिली मेम्बर्स, आर बच्चों के बारे में, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और लोग अपनी बातें अपनी फैमिली मेम्बर्स में ही अगल बगल बैठे होते हैं, हर दिन 2400 घंटे स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है लोग, दूसरे लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं और लोग इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। तो ज़रूरत है हमें काउंसलिंग करने की। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे लाइक करिएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन।